धार जिले के पीथमपुर में 5 जुलाई रविवार को सेक्टर 1 सिमकॉम कंपनी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से एक मासूम बच्ची संध्या 6 वर्ष निवासी चांदनी नगर वार्ड क्रमांक 2 धंडर खुर्द पीथमपुर निवासी का एक्सीडेंट हो गया। बच्ची के पिता सतीश सिंह ने बताया कि हम कल सावन के सोमवार का उपहास हेतु पूजन सामग्री लेने पीथमपुर गए थे। पूजन सामग्री लेकर हम पैदल अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में सिमकॉम कंपनी के सामने पीछे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे मैं और मेरी बच्ची दोनों बेहोश हो गए। कुछ ही समय बाद मुझे होश आया तो रास्ते से गुजर रहे समाज सेवी शुभम पारासर ने हमें संजीवनी हॉस्पिटल में पहुँचाया। इसके बाद मेवाड़ा हॉस्पिटल पहुँच के महू ले गए। इसके बाद महू मध्य भारत अस्पताल पहुँचा, जहाँ मेरी बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार धंधर शमशान में किया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज क्या हुआ आपके, कैसी घटना घट गई है? मैं अपना पूजा के सामान के घर लेके जा रहे थे, इतने में पीछे से ट्रैक्टर वाला आया और ठोक के चला गया। ठोक के जाने के बाद मैं गिर गया बेहोश। बेहोश गिरने के बाद मैं थोड़ी देर बाद मेरे को होश आया तो लड़की पड़ी हुई थी। मैं लड़की को उठाने की कोशिश किया और इतने में 2-3 आदमी आए और लड़की के देख के उठाए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो उठा के गाड़ी में भर के ये अपना संजीवनी हॉस्पिटल में लेके गए। और संजीवनी हॉस्पिटल से लेके गए तो वहाँ बोले कि कुछ मेरे पास साधन नहीं है तो यहाँ ले जाओ निवारा हॉस्पिटल में। निवारा हॉस्पिटल में लेके गए तो भर्ती करवाया और कुछ ही देर बाद बोले कि लड़की नहीं रही, आपकी लड़की मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर लेकर मैं भारत में को ले आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।